दिनांक 30/5 को थाना क्षेत्र मड़ियाओं अंतर्गत माहेश्वरी ज्वेलर्स हैं, इनके यहाँ एक लूट का प्रयास हुआ था। जब सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए तो उसमें पाया गया कि 3 अज्ञात बदमाश इनकी दुकान में घुसते हैं, वहाँ पर इनसे कुछ बातचीत करते, बातचीत के दौरान उसमें से एक जो बदमाश है वो अपना तमंचा निकालता है और उससे लूट का प्रयास करने का लूट का प्रयास करता है, बट वो लूट कामयाब नहीं लूट पूरी नहीं कर पाता है और उससे पहले ही वो वहाँ से फरार हो जाता है। तीनों बदमाश वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब वहाँ का सीसीटीवी फुटेजेस देखा गया और उसका अवलोकन किया गया, उसके बाद जो हमारी क्राइम टीम थी और थाना स्थानीय की जो क्राइम टीम थी वो लगातार इन लोगों की शनाख्त के लिए लगी हुई थी, प्रयास में लगी हुई थी और फलस्वरूप ये जो तीनों अज्ञात बदमाश थे इनको इनकी शनाख्त कर इनकी गिरफ्तारी की गई है। ये तीनों बाल अपचारी हैं, इसमें से दो खदरा का रहने वाले हैं और एक मड़ियाओ का रहने वाला है। जब इनसे जब डिटेल में जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये बर्थडे पार्टी मनाने के लिए इनको पैसे चाहिए थे और इसलिए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तीनों के पास से एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है और जिंदा कारतूस बरामद हुई है। इन तीनों बालअपचारी को नियमानुसार इनको हिरासत में लेकर के इनको संबंधित कोर्ट जो है इनको भेजा जा रहा है और इनकी रिमांड ली जाएगी। जो इसमें धमकी वाला मामला था, जब ये ज्वेलर की शॉप में घुसते हैं तो उस तमंचे की धौंस देते हुए उसको जान से मारने की धमकी देते हैं, इस बाबत थाना मड़ियाओ में एक अभियुक्त पंजीकृत किया गया था, उसका भी अनावरण हुआ है। और ये जो तीनों व्यक्ति थे, तीनों ने दो ने मास्क लगाया हुआ था और एक ने गमछा बांधा हुआ था, इनको भी पुलिस ने नियमानुसार हिरासत में लिया है। तीनों बाल अपचारी हैं इसलिए इनके नाम डाइवल नहीं किए सकते, इनको तीनों को गिरफ्तार करके संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है। आपने बताया कि